जिनको दुनिया के अलावा कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैं, मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है। है तो है, नहीं है तो नहीं है। है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम क्यों खराब करूं अपना? और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े किसी समझदार व्यक्ति से समय गुजारूं मैं? तो मेरा ये विश्वास है। अपने अपने विश्वास का मामला है, जिनको विश्वास है वो पूजा करते हैं। मेरे घर में मुझे छोड़ के बाकी सब धार्मिक लोग हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, पूरा लंबा चौड़ा। और कितने लोग आप में से शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं? एक अंधविश्वास यहां भी चलता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग खरीद लेते हैं, आप नहीं खरीदते शनिवार को लोहा, आप भी नहीं खरीदती हैं। हाँ, मंगलवार और बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाते, ऐसे कितने लोग हैं? मंगल, बृहस्पति या शनि। अच्छा, और मेरा उसूल है मंगल को ही कटवाता हूँ, उस दिन भीड़ नहीं होती। मेरा तो उसूल ये है कि बड़ी सुविधा रहती है उस दिन। गुड है, तो दिल्ली में ये कि खोलते हैं जैसे 5 लोग वहां काम करते हैं, उस दिन एक आदमी होता है। भारत में सबसे बड़ा हुआ है कि अंग्रेजी कैसे सीखे। बहुत सारे लोग रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली किताब पढ़ के सीखना चाह रहे हैं। नामुमकिन है उससे सीखना, नामुमकिन एकदम, क्योंकि भाषा सीखने का अकेला तरीका है वातावरण, दूसरा कोई तरीका नहीं। आपके आसपास लोग उस भाषा बोलते हो, बातचीत करते हो, आप सुनते हो, आप भी बोलने का प्रयास करें, कोई आप पे हंसे नहीं जब आप गलती करें, आपको समझा दें। किसी मतलब अध्यापक की जरूरत भाषा के लिए नहीं होती है। इस चीज को अभी से काम करना है, वो ये है कि लिखने का अभ्यास कीजिए, और जिस दिन 7.5 मिनट में 250 शब्द आप लिख पा रहे हैं और बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं, अपना लिखा तो पढ़ ही लेता है आदमी, अगर आप 7.5 मिनट में 250 शब्द लिख लेते हैं और बाकी लोग पढ़ भी लेते हैं उसको, और आप करीने से भी लिख पा रहे हैं, पॉइंट्स ठीक से डेवलप कर पा रहे हैं उसमें, तो आप मान लीजिए कि आपको सफल होने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा। इस परीक्षा का मर्म इतना ही है, पढ़िए, समझिए और बहुत तेज गति से, बहुत सटीक तरीके से लिखने का अभ्यास कीजिए, जो इन्होंने किया, अभी आपसे बात करेंगे ही। IAS बनना बहुत आसान काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है एकदम। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अगर कोई ये कहे कि IAS बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, मेहनत आपको ठीक से करनी आती हो, तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। जो व्यक्ति मेंस के, GS के चारों पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग पर्याप्त है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शामिल हो जाएगा, बशर्ते उसका वैकल्पिक विषय और निबंध अच्छा हो। कितनी सिंपल चुनौती है, आपको हर पेपर में सारे प्रश्नों का उत्तर पूरा कर देना है। एक मेंबर ने एक लड़की से कहा, इंटरव्यू लिया, पूरा इंटरव्यू हो गया, वो उठी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम करके बाहर जाने लगी। तो चेयरपर्सन थोड़े मजाकिया किस्म के आदमी थे, उनको लगा जरा मजे लेके देखते इस बच्ची के। जब वो गेट के पास पहुंची, बोले, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपका चेहरा देख के लगता नहीं कि आपको IAS बनाना चाहिए, आपका चेहरा ऐसा है नहीं IAS टाइप का। तो लड़की बोली कि सर, अब जैसा भी है स्वाभाविक है, और चेहरा तो कईयों का नहीं होता है। ये कह के निकल गई, भाव ये था कि आपका कौन सा है। और वो कहते कि IAS बन भी गई। तो क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी एक ऐसी है, और उस समय बिना विनम्रता की सीमाओं को लांघे आप अपने मन की बात कह दें ठीक तरीके से, यही एकाध उत्तर इंटरव्यू में सारे पाप धो देता है, सारे पाप। अब जिंदगी एक ही है, और दिक्कत है कि उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। 80 तो बात कहते हैं कि अपने जीवन के फैसले खुद करो, आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी प्रभावित होकर रहेगी, और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। और जब आप प्रयोग करेंगे यानी कि निर्णय करेंगे, तो हर निर्णय में गलत होने का खतरा तो है ही,
निर्णय गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारा निर्णय करने का जो स्टेमिना है या क्षमता है वो कम है, कई बार सूचनाएं कम होती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो फैसला करना पड़ जाता है। और हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, थोड़ा बहुत गलत तो हर निर्णय है, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं, गलत भी है और उनका जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव भी है। एक निर्णय गलत हो गया, उसका प्रभाव इतना